अस्सलाम वालेकुम माय डियर ऑल शाइनिंग स्टार्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो ये चैप्टर 18 केमिकल कोऑर्डिनेशन का सेकंड लास्ट टॉपिक है, अदर एंडोक्राइन टिश्यूज़। और ये बेसिकली बहुत इजी टॉपिक है, इसमें आपने सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के फंक्शंस को डिस्कस करना है। हमें पता है कि हार्मोन्स केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो सिक्रिएट होते हैं फ्रॉम स्पेशलाइज्ड टिश्यूज़ कॉल्ड ग्लैंड्स। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं किडनीज, हार्ट, प्लेसेंटा, डाइजेस्टिव ट्रैक की, कि वो भी कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं इन द ब्लड एंड देन वो फिर अपने फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम टिश्यूज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि वैरायटी ऑफ हार्मोन्स प्रोड्यूस फ्रॉम टिश्यूज़ विद इन द बॉडी लाइक डाइजेस्टिव ट्रैक, किडनी, हार्ट एंड प्लेसेंटा। एंड अगर आपको याद हो, हमने गोनार्ड्स में भी डिस्कस किया था टेस्टिस एंड ओवरीज को, कि ये भी कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करती हैं। तो यहाँ पे हमने वही टिश्यूज़ के बारे में बात करनी है कि वो भी कुछ हार्मोन्स को प्रोड्यूस करते हैं एंड ऑफ कोर्स उनका भी कोई फंक्शन होता है। हम डिस्कस कर रहे हैं गैस्ट्रिन को। ये गैस्ट्रिन हार्मोन प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, पेप्टाइड हार्मोन है एंड ऑफ कोर्स ये प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये तो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इसके कुछ टिश्यूज होते हैं जो एंडोक्राइन सेल्स हैं या एंडोक्राइन टिश्यूज हैं, वो सिक्रीट करते हैं गैस्ट्रिन हार्मोन्स को जो रेगुलेट करता है गैस्ट्रिक सिक्रीशंस को। गैस्ट्रिक सिक्रीशन में हमारे पास आ जाता है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सो ये जो गैस्ट्रिन है, ये सिक्रीशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हेल्प करता है और रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर एनहेंसिंग म्यूकोसल ग्रोथ। आपको पता होगा कि म्यूकस सेल्स क्यों ज़रूरी होते हैं। म्यूकस सेल्स सिक्रीट करते हैं वाटर एंड म्यूकस को, जिनका ये फंक्शन होता है कि ये प्रोवाइड करते हैं एक्वस मीडियम एंड लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्ट द स्टमक वॉल फ्रॉम HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारी जो स्टमक वॉल है ना, उसको बहुत ज़्यादा डिस्ट्रॉय कर सकता है। सो दैट्स वाई म्यूकस की एक लेयर प्रेजेंट होती है जो प्रोटेक्ट करती है स्टमक को फ्रॉम द HCl, क्योंकि HCl एक एसिड है। सो ऑफकोर्स ये HCl स्टमक वॉल को पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। ये होता है इसका फंक्शन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सिक्रेटिन एंड कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन। ये सिक्रेटिन एंड कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन, ये दोनों हार्मोन रिलीज होते हैं फ्रॉम द ड्यूडेनम एंड इनके फंक्शन होते हैं। ये जो सिक्रेटिन है, ये काम करता है पेनक्रियाज पे ताकि वो सिक्रीट कर सकें वाटर को एंड बाइकार्बोनेट को। इसका क्या फ़ायदा होता है, जब ये सिक्रीट करते हैं बाइकार्बोनेट आइंस को, तो वो फिर पीएच को मेंटेन करते हैं बाय टर्निंग द एसिडिक काइम इनटू अल्कलाइन काइम। ऑफ कोर्स आपको पता होगा कि 7 पीएच होती है न्यूट्रल, 7 से ज़्यादा बेसिक, जिसको हम अल्कलाइन भी कहते हैं, एंड देन 7 से कम पीएच होती है एसिडिक। सो ऑफ कोर्स काइम, एसिडिक काइम को इनटू बेसिक काइम ये टर्न कर रहा है, देन मेंटेन कर रहा है पीएच को। काइम को भी आपको पता होगा कि काइम किसको कहते हैं, काइम पेस्ट लाइक सब्सटेंस होता है जो बनता है आफ्टर आवर्स ऑफ मैकेनिकल एंड केमिकल डाइजेशन। सो पेप्टाइड हार्मोन है, प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, सिक्रीट होता है फ्रॉम द ड्यूडेनम, रेगुलेट करता है एनवायरनमेंट ऑफ स्टमक, पैनक्रियाज एंड लिवर, मेंटेन पीएच टू अ मोर न्यूट्रल टू द बेसिक स्टेट ऑफ द ड्यूडेनम। कोलीसिस्टोकाइनिन, ये हार्मोन भी प्रोटीनिशियस इन नेचर होता है, पेप्टाइड हार्मोन एंड ऑफ कोर्स ये भी रिलीज होता है फ्रॉम द ड्यूडेनम। ये एक्ट करता है दो जगहों पे, एक पैनक्रियाज पे और एक काम करता है गैल ब्लडर पे। पता होगा आपको कोलीसिस्टोकाइनिन का मतलब ही होता है फ्रॉम द गैल ब्लडर। सो गैल ब्लडर का काम क्या होता है, स्टिमुलेट द बाइल। सो ये काम करता है गैल ब्लडर पे और ये स्टिमुलेट करवाता है गैल ब्लडर को कि वो रिलीज कर सकें बाइल को। एंड देन उसका दूसरा काम ये होता है कि स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को कि वो रिलीज कर सकें डाइजेस्टिव एंजाइम्स एंड पेनक्रियाज को कि वो रिलीज कर सकें डाइजेस्टिव एंजाइम एंड पेनक्रियाटिक जूस को। डाइजेशन चैप्टर अगर आपने अच्छे से पढ़ा हो तो आपने सिक्रेटिन, कोलीसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन हार्मोन के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा होगा कि सिक्रेटिन हार्मोन एक अनदर हार्मोन है जो सिक्रीट करता है, लाइक एक्ट करता है पेनक्रियाज पे टू सिक्रीट वाटर एंड बाइकार्बोनेट आइंस, एंड कोलीसिस्टोकाइनिन हार्मोन एक्ट करता है पेनक्रियाज पे एंड द गैल ब्लडर के बाइल रिलीज हो सके इनटू सिस्टिक डक, देन फिर वो कनेक्ट हो जाता है कॉमन बाइल डक्स। ऑफ कोर्स
एंड देन फिर वो डेड एंड अब तक पहुंचता है। तो वो किस लिए पहुंचता है, किसकी वजह से पहुंचता है? वो पहुंचता है विद द हेल्प ऑफ कोली सिस्टोकाइनिन हार्मोन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द किडनीज हार्मोन। सम हार्मोन्स आर प्रोड्यूस्ड इन किडनी सच एज एंजियोटेंसिन एंड एथ्रियोप्योटीन। ये जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है, ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि ये जो एंजियोटेंसिन हार्मोन है ये रेगुलेट करता है, मेंटेन करता है ब्लड वॉल्यूम एंड द ब्लड प्रेशर। ऑफ कोर्स जब हमने RAAS सिस्टम पढ़ा था, रेनिन सिस्टम पढ़ा था, उसमें हमने इस हार्मोन का जिक्र किया था। रेनिन सिस्टम वो सिस्टम होता है जब भी आपके ब्लड में सोडियम लेवल कम हो जाएगा तो हमारा किडनी सिक्रीट करेगा एक हार्मोन को जिसका नेम है रेनिन। ये रेनिन क्या करता है, ये रेनिन करता है प्लाज्मा प्रोटीन एंजियोटेंसिनोजेन को कन्वर्ट इनटू एंजियोटेंसिन वन में, जो आगे फर्दर कन्वर्ट होता है इनटू एंजियोटेंसिन इन द लंग्स। देन क्या होता है, देन ये होता है कि ये हार्मोन एंजियोटेंसिन काम करता है किडनी के ऊपर, लाइक एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर, कि वो रिलीज करें एल्डोस्टेरोन, एंड देन एल्डोस्टेरोन रेगुलेट करता है ब्लड वॉल्यूम एंड ब्लड प्रेशर, क्योंकि वो काम करता है किडनी की रीअब्सॉर्प्शन पे। तो यहाँ पे हमने वही काम करना है एंजियोटेंसिन पे, कि रेगुलेट करता है ब्लड प्रेशर एंड ब्लड वॉल्यूम। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, हमने ये फिगर RAAS सिस्टम की डिस्कस भी की थी। एंजियोटेंसिन वन एंड एनजियो एल्डोस्टेरोन ये वाटर रीअब्सॉर्प्शन में हेल्प करता है, कंस्ट्रक्ट करता है ब्लड प्रेशर को। ऑफ कोर्स जब ब्लड वेसल्स हैं, आर्टरीज हैं, वो कंस्ट्रक्ट हो रही हैं, तो ऑफ कोर्स ब्लड फ्लो कम होगा एंड द ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द एथ्रियोप्योटीन। सो एथ्रियोप्योटीन एक अनदर हार्मोन है जो स्टिमुलेट होता है फ्रॉम द जो रिलीज होता है फ्रॉम द किडनी, एंड ये स्टिमुलेट करवाता है रेड ब्लड सेल्स को जो सिंथेसाइज होते हैं बोन मैरो में। ह्यूमन हार्ट ऑल्सो प्रोड्यूसेस हार्मोन लाइक आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक हार्मोन। ये इंक्रीज करवाता है सॉल्ट एंड वाटर एक्सक्रीशन को कि वो रिड्यूस कर सकें ब्लड प्रेशर को। सो ऑफकोर्स ये जो आर्ट्रियल नेट्रियोरेटिक हार्मोन है ये रिड्यूस करता है ब्लड प्रेशर को। एक अनदर हार्मोन है प्रोस्टोग्लैंडिंस, और ये हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था कि प्रोस्टोग्लैंडिंस एक स्टेरॉइड हार्मोन होता है, लिपोफिलिक इन नेचर, एंड एवरी टिश्यू ऑफ द बॉडी सिक्रीट करती है प्रोस्टोग्लैंडिंस की। इसका ये फंक्शन होता है कि इन्वॉल्व होता है डीलिंग विद इन्फ्लेमेशन, ब्लड फ्लो एंड द प्रोटेक्शन फ्रॉम इंजरी। हमने ये प्लस इम्यूनिटी चैप्टर में डिटेल में डिस्कस किया था फंक्शन ऑफ द प्रोस्टोग्लैंडिंस। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द प्लेसेंटा। प्लेसेंटा एक अनदर एंडोक्राइन टिश्यू है जो रिलीज करता है दो हार्मोन को, एक हार्मोन है प्रोजेस्टेरोन और एक हार्मोन है ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन एक्ट करता है ऑन द कार्पस लूटियम एंड प्रोजेस्टेरोन मेंटेन करती है प्रेगनेंसी को। जब आप रिप्रोडक्शन चैप्टर पढ़ेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि प्रोजेस्टेरोन एक बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों पेयर में काम करते हैं और मेंटेन करते हैं एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ द यूट्रस एंड मेक इट रिसेप्टिव फॉर इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो। सो दैट्स वाई ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। एंड देन नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द सेकेंड वन, SCG, ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन। ये जो ह्यूमन क्रियोनिक गोनाडोट्रोफिन हार्मोन है ये अनदर हार्मोन है जो रिलीज होता है फ्रॉम द प्लेसेंटा। इसका काम होता है, ये एक्ट करता है ऑन द कार्पस लूटियम एंड द कार्पस लूटियम पे काम करके उसको कन्वर्ट करवाता है इंटू प्रेगनेंसी कार्पस लूटा। एंड देन क्या होता है, प्रेगनेंसी कार्पस लूटा प्रोजेस्टेरोन को स्टिमुलेट करवाता है, प्रोजेस्टेरोन को इतना ज़्यादा स्टिमुलेट करवाता है, लाइक उसको इतना ज़्यादा रिलीज करवाता है ताकि मेंटेन रहे प्रेगनेंसी। सो दैट्स वाई हम ये कहते हैं कि ये दोनों हार्मोन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है फॉर मेंटेनिंग प्रेगनेंसी। देन एक और हार्मोन है, इसके बारे में हमने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल में पढ़ा था कि इंडोरफिन एक ड्रग होती है जो ह्यूमन ब्रेन से रिलीज होती है, इन्वॉल्व होती है पेन रिलीफ में। सो यहाँ पे वही बात हो रही है कि ह्यूमन ब्रेन रिलीज करता है इंडोरफिन हार्मोन इन्वॉल्व इन पेन रिलीफ। यही सारे हार्मोन्स थे जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए। एंड ऑफकोर्स बहुत सारे हार्मोन्स आप पढ़ चुके हैं, इंडोरफिन एक ड्रग में हमने पढ़ा था, ड्रग की पूरी एक टॉपिक दिया हुआ है आपकी बुक में। सिक्रेटिन, कोलीसिस्टोकाइनिन एंड गैस्ट्रिन इन तीनों हार्मोन के बारे में हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था।
डाइजेशन में। एंड एंजियोटेंसिन के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं RAAS सिस्टम में। एथियोप्योटीन किडनी से होता है जो स्टिमुलेट करता है रेड ब्लड सेल्स को, ये हमने पढ़ा था सपोर्ट एंड मूवमेंट में। प्रोस्टोग्लैंडिन हमने इम्यूनिटी में पढ़ा था। तो ये सारे हार्मोन्स हैं जो हम पढ़ चुके हैं, बस यहाँ पे हमने हार्मोन्स के टॉपिक में से भी पढ़ा है कि अदर एंडोक्राइन टिश्यूज भी होते हैं जो स्टिमुलेट करवाते हैं हार्मोन्स को, ताकि जो जो ग्लैंड्स हार्मोन्स नहीं कर पा रहे लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम में। अब कौन से ग्लैंड्स हो सकते हैं, तो डाइजेस्टिव सिस्टम में कुछ हार्मोन्स होते हैं जो रिलीज होते हैं फ्रॉम द डाइजेस्टिव ट्रैक, उसके बारे में हमने पढ़ना था। किडनी से, हार्ट से, प्लेसेंटा से, इन सब से कुछ ना कुछ हार्मोन्स रिलीज हो रहे होते हैं। सो दैट्स इट। इंशाल्लाह मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जल्दी से आप लोगों के टॉपिक कवर करवा दूँ, ताकि एमडीकैट में कोई मसला ना हो और पेपर्स में ऑफकोर्स आपको कोई मसला ना हो। सो जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफिज़।